किसान भाइयों नमस्कार। मैं मोहन नागर, गुरु कृपा हर्बल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको परंपरागत खेती से हटकर कुछ नई खेती के बारे में आज जानकारी रूबरू हो रहा हूँ। उसमें एक औषधि एवं मसालेदार खेती है जिसका नाम है कलौंजी। कलौंजी एक औषधि फसल होती है, साथ में ये मसाले में भी काम आती है। तो आज किसान जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उनसे हटकर अगर इस तरह की औषधि और मसालेदार खेती करने से किसान को परंपरागत खेती जो चना गेहूं सरसों मसूर जो खेती करते हैं अपन उनसे कई गुना यानी कि 2 से 3 गुना लाभ इस फसल कलौंजी के करने से आपको मिल सकता है ज़्यादा। कलौंजी का ही मैं भी अपने खेत पे आपको रूबरू करवा रहा हूँ कलौंजी के पौधे से। ये इस तरह का कलौंजी का पौधा होता है और ये अभी इसमें फ्लावरिंग अच्छी बढ़िया आ रही है, इसमें डोडे भी बनने लगे हैं, उस पर कलौंजी का बीज तैयार होने वाला है। ये एक स्वस्थ पौधा है और ये हमने जैविक तरीके से किया है। हमारे गुरु कृपा हर्बल कृषि फार्म ग्राम सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राजस्थान में जैविक तरीके से इस फसल को हमने किया है, बहुत शानदार है। तो ये फसल के लिए जमीन को पहले तो अच्छी तरह जुताई कर लें। ये फसल सर्दी की फसल होती है और इसको अक्टूबर महीने में लगाया जाता है। इसके लगाने के लिए 1 एकड़ में 10 किलो बीज की आवश्यकता होती है। जमीन को अच्छी तरह जुताई करके गहरी जुताई करके और इस 10 किलो बीज 1 एकड़ के हिसाब से इसको छिटकाव विधि से किया जाता है। इसकी बिजाई हाथों से छिटकाव विधि से करते हैं। थोड़ी सावधानी ये बरतते हैं, अगर आपका 1 बीघे का खेत है अगर उसके लिए 10 किलो बीज की आवश्यकता है उसके 2 भाग कर ले बीज के। 1 भाग को खेत के एक साइड से बोना चालू करें, जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बोना चालू करें, फेंकना चालू करें और दूसरी बार पूर्व से पश्चिम की तरफ उसकी बिजाई करें ताकि बीज सही तरीके से सही अनुमान में पड़ जाए और फसल पूरे खेत में अच्छी तरह से उगे। छिड़कने के बाद में तत्काल बाद इसमें पानी देना होता है। अगर पानी फव्वारा सिस्टम है तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, क्योंकि फव्वारे से किसी जमीन में किसी तरह का कटाव वगैरह नहीं होता है और पानी पूरे खेत में एक जैसा चला जाता है और तो बीज का अंकुरण पूरा एक समान निकल जाता है। अगर ड्रिप लगा रखा हो तो वो भी अच्छा है, ड्रिप से भी पानी एक समान और बिना कटाव के पानी अच्छी तरह से जमीन में लग जाता है तो फसल एक समांतर रूप से जैसे आप देख रहे हो ये एक जैसी फसल है पूरे इसमें। और हमने जो है इसकी सिंचाई जो है ये ड्रिप इरीगेशन लगा रखा है, हमने ड्रिप लगा रखी है इसके अंदर, इस ड्रिप से हम इसकी टोटल वो करते हैं। तो ये इस तरह से ये अपन सिंचाई इसमें कर सकते हैं। काफ़ी घनी है, कहीं जगह नहीं है, बहुत शानदार है। मैं तो आपको दिखाने के लिए आगे बात करते हैं। इसमें समय समय पर 4 पानी की आवश्यकता लगभग होती है, वो आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन में पानी अवशोषण क्षमता कितनी है। हमारे यहाँ हमारे एरिया में काली दोमट मिट्टी है और यहाँ 4 पानी इसमें अब तक हमने दिया है और अब पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो है
150 दिन में, 150 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन जो एक की एकड़ के अंदर जो 4 से 6 क्विंटल इसमें हो जाता है। अमूमन 4 अमूमन 5 क्विंटल आप मानिए, 5 क्विंटल एक एकड़ में उत्पादन इसका हो जाता है। इसकी आज ही मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, यह औषधि फसल है और मसाला भी इसमें मसाला के भी है, दोनों इसमें उपयोग होता है, औषधि और मसाला दोनों में इसमें काम आता है। और वर्तमान में इसके जो बाज़ार भाव है वो 20,000 से 25,000 प्रति क्विंटल किसान को मिल जाता है। तो एक एकड़ में लगभग 1,00,000 रुपये के आसपास इनकम किसान को इसमें हो जाती है और इसमें किसी तरह का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, इसको कोई जानवर भी नहीं खाता है, इसके अंदर किसी तरह का कोई रोग भी नहीं आता है, ताकि अपन को एक्स्ट्रा कोई दवाई का खर्चा हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हमने जैविक तरीके से किया है, इसमें वेस्ट डिकम्पोजर ड्रिप के माध्यम से इसको दिया है और जैविक खाद इसमें दिया है, गोबर की खाद इसमें पहले जमी तैयारी के टाइम में दिए हमने। तो आप इस तरह से ज़्यादा गोबर की खाद या जैविक केचुआ खाद या वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग इसमें करें तो ये और अच्छी पैदावार आपको मिल जाएगी। तो ये है हमारी औषधि फसल और मसाला फसल। अमूमन ये पूरे देश में इसकी डिमांड होती है और जहाँ भी आप करते हो उस मार्केट में मसाला बेचने वाले व्यापारी या औषधि निर्माण करने वाली कंपनियाँ इसको परचेज करती है। वैसे दिल्ली में भी इसका अच्छा मार्केट है, खारी बावली पर, लखनऊ में भी है, जयपुर में भी है, और सबसे ज़्यादा जो मार्केट इसका है वो मध्य प्रदेश के नीमच सिटी में है। नीमच सिटी में औषधि फसल की एक अलग से मंडी है, उस मंडी में आप चाहो जितने भी पैदावार आपके पास है वहाँ आसानी से सही कीमत पे ही आप बेची जा सकती है। तो ये थी आज हमारी औषधि फसल और मसालादार फसल कलौंजी के बारे में। तो ये जो फसल जो आप कर रहे हो बार बार एक ही फसल, अपन चना या मसूर या सरसों करते हैं, उससे खेत भी एक कमज़ोर होती है, बार बार एक ही फसल करने से कई तरह के रोग उसमें बढ़ते हैं, पनपते हैं। तो उसका विकल्प आज किसान भाई अगर कलौंजी के रूप में करेगा तो इसमें आपको अच्छी आमदनी होगी और कई तरह के रोग, बीमारी, कीटनाशक दवाई, स्प्रे और कई तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आपकी आमदनी दोनों तरफ से फायदेमंद रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें और हमारा गुरु कृपा हर्बल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए किसान भाई आप देख रहे हैं हम जैविक खेती के बारे में और औषधि फसल के बारे में समय समय पर आपको जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं, तो वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको मिले। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले जो वीडियो हम बनाए हैं वो आप तक अवश्य पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देश में हर किसान भाई कुछ परंपरागत खेती से हट करके कुछ नया करने की उम्मीद जगे उनमें और कुछ अधिक अपने परिवार के लिए एक आमदनी का स्रोत उनका बढ़े और किसान की खुशहाली, ये हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।